जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्वेस्ट तक में। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ और आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए और इन्वेस्ट अगर जो बिगनर है और उन्हें नहीं पता कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से की पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इन्वेस्ट करने से पहले। तो उससे पहले मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ डॉली खन्ना के बारे में। अगर बहुत लोगों को पता भी होगा डॉली खन्ना है कौन, बट कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि डॉली खन्ना कौन है करके। ये भी एक वेल नोन इन्वेस्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फॉर एग्जांपल जैसे राकेश झुंझुनवाला है, डमानी सर है, तो वैसे ही डॉली खन्ना भी एक लाइक पॉपुलर इन्वेस्टर है। आई थिंक बहुत लोगों को इनके बारे में पता होगा, बट आज की वीडियो पूरा देखना आप, बिकॉज आप कुछ की पॉइंट भी डिस्कस करने वाला हूँ और इनकी बायोग्राफी के बारे में और इनके पोर्टफोलियो भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली इस वीडियो से, तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि डॉली खन्ना इज़ अ चेन्नई बेस्ड इन्वेस्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करने के लिए। गाइस, तो ये फर्स्ट की पॉइंट है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करती है जो हाई रिटर्न्स आपको दे सके इन फ्यूचर में। तो डॉली खन्ना इसके लिए बहुत फेमस है इंडियन स्टॉक मार्केट में और इनका जो पोर्टफोलियो वो मैनेज करते हैं इनके हस्बैंड है राजीव खन्ना, वो मैनेज करते हैं। राजीव खन्ना के बारे में आपको बता दूं कुछ, आपको इनका बैकग्राउंड बता दूं। वो खुद IIT मद्रास ग्रेजुएट है और केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन है। इन्होंने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था 1986 में मिल्क फूड्स, जो कि उन्होंने अपने बिजनेस को सोल्ड कर दिया FMCG लाइक हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड को, जो कि FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है। फिर उनके पास जो पैसा उनको मिला करके, वो पैसा उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया। उनके बाद उनको पता चला कि फिक्स डिपॉजिट में करने से उनको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अपने पैसे पूरे इक्विटी मार्केट में लगा दिए, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया। आप बोल सकते हो कि 1986 से लाइक 1996 तक इन 10 सालों में डॉली खन्ना और राजीव खन्ना बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे करके, बट इन्होंने बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक किए थे। वो कैसे पिक किए थे मैं आपको वीडियो में शो करने वाला हूँ। और ये अभी ये दोनों मिलीनियर हो चुके हैं और इन्होंने स्टॉक मार्केट की जर्नी में बहुत सारे पैसे कमाए हैं। 543.6 करोड़ का इनका नेटवर्थ है अभी April 2022 तक का। तो ये उन्होंने कैसे कमाए, तो लाइक उन्होंने बहुत सारे जो भी अपने पैसे थे उन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाए, तो इनको पता था कि स्मॉल कैप स्टॉक आगे देखे बहुत ही ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक भी बन सकते हैं और हाई रिटर्न्स भी दे सकते हैं। अगर आपको पता हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि आप जितना स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो वो आपको उतना हाई रिटर्न्स बना के देते हैं, क्योंकि वो रिस्की स्टॉक्स होते हैं। तो इन्होंने रिस्क लिया था अपने पैसों के साथ और जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया और उन्हें रिटर्न्स भी एज अ मल्टी बैगर ही मिले। तो डॉली खन्ना का जो पोर्टफोलियो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। गाइस, लाइक डॉली खन्ना जो कि लाइक उनका जो पोर्टफोलियो था उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, लाइक टेक्सटाइल कंपनी, केमिकल्स कंपनी, मैन्युफैक्चर कंपनी, शुगर कंपनी। तो मोस्टली इनकी जो पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ ही, ये मोस्टली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती थी। और इनका जो पोर्टफोलियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और गाइस शेयर करने से पहले आपको ये बता दूँ करके कि इनका जो पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं इनका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत ही कम लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हो उनको इनका शेयर्स के नाम आपको पता होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो को मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। KCPI लिमिटेड, रामा पोस्टफेड लिमिटेड, प्रकाश पाइप लिमिटेड, मैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने इनका होल्डिंग भी होल्डिंग के साथ आपके साथ शेयर किया कि उन्होंने 49.2 करोड़ का होल्डिंग रखा है KCPI लिमिटेड में, रामा पोस्टफेड में 15.67 का होल्डिंग रखा है। तो मैं आपको पूरा होल्डिंग लाइक बताने वाला तो नहीं हूँ, बट मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इनके और भी स्टॉक्स है, सिमरन फार्म्स लिमिटेड, बटरफ्लाई, गांधी मती अप्लायंस लिमिटेड, नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। गाइस, मैंने भी इनका नाम नहीं सुना था, इनमें बहुत सारे शेयर जैसे कि जो कि इन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट किए। तो आप इन सब का स्टॉक्स के जो नाम है आप देख के इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज इन्होंने ये बहुत पहले इन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे अजंता सोया लिमिटेड हो गया, दीपक स्पाइनस लिमिटेड हो गया, गोवा कार्बन लिमिटेड, शारदा क्रॉपकैम लिमिटेड, एरिस एग्रो लिमिटेड, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RSWM लिमिटेड, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, टेलब्रोस ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड, कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रेन इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना होगा, बहुत ही फेमस है, काइटन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो इन कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया करके, बट मैं आपको ये बता दूं करके कि इन कंपनी में आप इन्वेस्ट मत करना, आप खुद का रिसर्च करके जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, बिकॉज ये आपका रिटेल कैटेगरी, लाइक मैं बोल सकता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स जो आप लोग हैं उनका ही पैसा है। ये जो है ये उन्होंने अपना पैसा खुद पहले एज अ रिस्क के साथ इन्होंने इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो आप इन सब कंपनियों में मत जाइएगा। बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन नॉलेज दे रहा हूँ कि अगर आप बिगनर भी हो तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से की पॉइंट आपके पास रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा रिस्क तो आपको लेना ही चाहिए इक्विटी मार्केट में, अगर आप रिस्क लोगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे।
और इनके जो पोर्टफोलियो एनालिसिस, मैं बता दूं कि क्वार्टर फोर 2022 में लाइक इन्होंने इनके पोर्टफोलियो में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखा गया है, बट उन्होंने कुछ स्टॉक्स में अपनी बाइंग की स्टेक्स है वो बढ़ाई है, जो कि 10 कंपनीज है यहाँ पे मेंशन है। उसमें से इंक्लूड 4 कंपनीज ये है कि गोवा कार्बन, शारदा क्रॉप कैम, संदूर मैंगनीज एंड आयरन और एंड कैटन केमिकल्स फर्टिलाइजर। तो इन कंपनी में इन्होंने थोड़े बहुत स्टेक्स अपने बढ़ाए हैं और इन कंपनीज के रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। आप कैटन केमिकल्स के रिटर्न स्क्रीन पर देख रहे होगा 570% है लास्ट वन ईयर के, संदूर मैंगनीज के 335% है, शारदा क्रॉप कैम के 145% गाइस। तो देखो आपको इनके रिटर्न्स से आपको पता चला रहेगा कि डॉली खन्ना कितना रिसर्च करती है अपने स्टॉक्स में पहले इन्वेस्ट करने से पहले। और इन्होंने बहुत सारे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रकाश पाइप, अजंता सोया, इनमें भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है उन्होंने, और भी इनके शेयर से वो बाई किए ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर, जो क्वार्टरली फोर का क्वार्टर था उन्होंने 2022 को, उन्होंने ये स्टेक में अभी इंक्रीज किए हैं और इनके रिटर्न्स भी मेंशन है। आप देख सकते हो रामा फॉस्फेट के रिटर्न्स ओवर 265% है, अजंता सोया का 175% रिटर्न्स है। तो आप इनके रिटर्न्स देख के आप देख सकते हो कि इन्होंने इनके नेटवर्थ कितनी होगी, आप अंदाज़ा लगा इनकी नेटवर्थ कितनी होगी। तो इन्होंने लाइक बहुत सारे अपने जनवरी और मार्च 2022 में इन्होंने बहुत सारे कंपनी है इन्होंने अपने स्टेक्स इंक्रीज किया, इन्होंने कोई नई कंपनी में बाई नहीं किए बट अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स में उन्होंने अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपको मल्टीपल रिटर्न्स दे रही है, तो आपको कोई अगर आप उसमें स्टेक्स इंक्रीज भी करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है करके। और इन्होंने अपने उस 6 कंपनी में इनके होल्डिंग इन्होंने रिड्यूस भी किए, कुछ कंपनी में अपने स्टेक को कट भी किए, जैसे टीना रबर हो गया, डीपेक्स पाइनिंग रेन इंडस्ट्रीज, केसीबी, एनसेल इंडस्ट्रीज एंड टाल्बोस ऑटोमेटिक कंपोनेंट। तो इन कंपनी में इन्होंने अपने होल्डिंग्स को रिड्यूस किया है, क्यों किया है, बिकॉज इन्होंने रिसर्च किया होगा कि लाइक ये कंपनी लाइक कितना आगे रह के फंडामेंटली परफॉर्म कर सकती है, इनका मैनेजमेंट कैसा है, तो वो सब रिसर्च करके ये इन्वेस्ट करते। तो मैं इनका बता दूं बल्क एंड ब्लॉक डील के बारे में, जो डॉली खन्ना का लास्ट क्वार्टर में था, इन्होंने कोई बल्क एंड ब्लॉक डील नहीं लिए अभी तक के लिए लास्ट क्वार्टर में। बल्क एंड ब्लॉक डील बेसिकली वो होता है, लोगों को नहीं पता कि जो बड़े बड़े ये जो इन्वेस्टर होते हैं, राकेश झुंझुनवाला होते हैं, डॉली खन्ना होते हैं, ये बल्क शेयर्स खरीदते हैं, लाइक 1 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए उन्होंने। तो ये एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर कोई ना कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किसी शेयर्स में बल्क डील ले ही लेते हैं, तो ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ, और वो बेच भी देते हैं जब उनको अच्छा खासा मल्टीपैक प्रॉफिट मिले, तो ये बल्क डील होता है करके। तो इनके जो नेटवर्थ है, मैं आपको वो बता दूं कि नेटवर्थ इनका 500 करोड़ है, तो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्थ है डॉली खन्ना का। तो एक मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टर एज अ लेडी इन्वेस्टर, लेडी किंग भी कहा जाता है इन्हें, और इनके जो इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड फिलोसफी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो गाइस ये कुछ की पॉइंट है आपको बस नोट डाउन करना है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो स्टॉप लॉस लगाए, अपना खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो उस पर पेशेंट रखें, हाई नहीं करें। अगर वो नेगेटिव भी जा रहा है तो पेशेंट रखें कि उनका पॉजिटिव आने का वेट करें, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है आपके शेयर्स में, आपने जिस शेयर में पैसा लगाया, तो आप प्लीज़ उसमें पेशेंस रखिएगा और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। बट अभी इधर डॉली खन्ना का एक फिलोसफी ये है कि उन्होंने अनपॉपुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जो कि जो स्टॉक का नाम भी आपने सुना नहीं होगा, जो मैंने भी नहीं सुना है, जो मैं लिटरली सच बता रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो एक उनका रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, तो वो उनके साथ हम नहीं जाएंगे। बट हम मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी पे बैट लगाए, वो शेयर्स को बाई करें। तो आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ, ये थी डॉली खन्ना की ऑल फिलोसफी, और इसमें से आपको अगर कुछ भी सीखने मिला हो कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें, कुछ की पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज अ बिगनर इक्विटी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।